हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो दिस इज पार्ट टू ऑफ एट क्लास इंग्लिश चैप्टर द ट्रेजर विद इन चैप्टर में हम एक आर्किटेक्ट मिस्टर हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का इंटरव्यू रीड कर रहे थे पार्ट वन में उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताया नाउ दिस इज सेकेंड पार्ट सो ही स्टंबल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन स्टम्बल्ड ऑन मतलब होता है टू गेट समथिंग बाई चांस सो so, आर्किटेक्चर में वो गलती से आ गए क्योंकि उन्हें थोड़ी फ्रेंच और उससे भी कम जर्मन आती थी ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रांक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स दूसरों पर जो प्रांक्स वो प्ले करते थे वो प्रैक्स भी ऑफ बीट होते थे मतलब बहुत ही अनयूजअल अनकॉमन प्रांक्स होते थे वेन ही फाउंड हिज कॉलिंग फाउंड हिज कॉलिंग का मतलब है जो पैशन जो स्किल्स हैं आप में उनको डिस्कवर करना और परस्यू करना तो जब अपने इंटरेस्ट को इन्होंने परस्यू किया देर वॉज नो लुकिंग बैक तो फिर कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा So, अभी ज इंटरव्यू को आगे कंटिन्यू करते हुए पूछती हैं हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर आप आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आए इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर के जो कॉलेजेस थे नो बडी हुई वॉज अलाउड टू एंटर वहां पर एंट्री के लिए ही आपको एटलीस्ट एटी टू एटी फाइव परसेंट मार्क्स चाहिए एंड ही तो ओनली गेट फिफ्टी परसेंट आई है और मेरे से फिफ्टी परसेंट थे आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी अभी ऐसा नहीं था कि इनको आर्किटेक्ट बनना था ये आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे आई गॉट माई एडमिशन लेटर ये अपना एडमिशन लेटर लेके आए बट माई आंट टोर इट अप लेकिन इनकी आंट ने उस लेटर को टियर कर दिया देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स फिर इन्होंने डिसाइड किया कि ये पुलिस फोर्स ज्वाइन करेंगे जिस पर इनकी मदर कहती है डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स कि पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करनी है जस्ट डू योर ग्रेजुएशन पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करो सो आई वेंट टू जॉलेज इन बॉम्बे तो फिर ये बॉम्बे के जेहिंद कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं देर आई वॉज ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन तो वहाँ पर इनको दो ऑप्शन थे या तो इनको फ्रेंच लैंग्वेज लेनी थी या फिर जर्मन दो आई हैच फॉर सेवन ईयर्स हालांकि मैंने सात सालों तक स्कूल में फ्रेंच पढ़ी है आई डिड नॉट नो सेवन वर्ड्स ऑफ फ्रेंच हमने देखा कि स्कूल में ये पढ़ते ही नहीं थे तो इनको सात वर्ड्स भी नहीं आते थे फ्रेंच के सो आई टू जर्मन तो इसलिए मैंने जर्मन ले ली देन माई जर्मन टीचर डाइट उसके बाद इनके जर्मन टीचर की डेथ हो जाती है द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज तो कॉलेज वाले कहते हैं या तो अब आप कॉलेज चेंज कर लो क्योंकि आपके पास जर्मन है और या फिर टेक फ्रेंच या फिर फ्रेंच ले लो नाउ एडमिशन इन अनदर कॉलेज अभी मुझे दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा आई इन्फ्लुएंस इनको जय हिंद कॉलेज में भी जो एडमिशन है वो इन्फ्लुएंस से यानी कि सोर्स से मिला था सो आई थॉट इसलिए मैंने सोचा ओके आई विल टेक फ्रेंच कि चलो फ्रेंच ले, ले लेता हूँ एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन और फिर से ये फ्रेंच पढ़ना शुरू कर देते हैं आई लॉन्ट इट फ्रॉम माई कजन फ्रेंच उन्होंने अपने कजन से सीखी शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ और वो जो इनकी कजन थी उनके हस्बैंड एक आर्किटेक्ट थे आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच तो वो आर्किटेक्ट के ऑफिस जाने लगे फ्रेंच सीखने के लिए बॉस एट देन दैट ई डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर तो अभी क्वेश्चन है कि क्या तब आपने सोचा कि अभी आप आर्किटेक्चर को परस्यू करेंगे एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस एक्चुअली सभी चीजें बाई चांस ही हो गई इन दर्किटेक्ट ऑफिस आई सॉ साम्बड़ी ड्राॅइंग विंडो डिटेल आर्किटेक्ट के ऑफिस में इन्होंने देखा कि कोई विंडो डिटेल की को ड्रॉ कर रहा है अ विंडो डिटेल इज अ वेरी एडवांस ड्राॅइंग और आर्किटेक्चर में विंडो डिटेल को ड्रॉ करना यह बहुत ही एक एडवांस ड्राॅइंग है आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्रॉइंग वॉज रॉन्ग इन्होंने कहा कि तुम्हारी ड्रॉइंग रॉन्ग है विंडो ही ड्रॉ की है ये ओपन ही नहीं होगी अगर तुम इसको एक्चुअली में बनाओगे तो ये फिर ये खुलेगी ही नहीं देन हैड अट विद मी तो जो पर्सन ड्रॉ कर रहे थे उन्होंने इनके साथ शर्ट लगाई एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड और बाद में उनको पता लगा कि सच में एक्चुअली में हिसंग वॉज रॉन्ग एक्चुअली में उनकी ड्रॉइंग रॉन्ग थी माई कजन हजबेंड वॉज सरप्राइज अब ये देख के इनकी कजिन के जो हस्बैंड थे वो बहुत ही सरप्राइज हैरान हुए मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स उन्होंने मुझे कुछ स्पेसिफिक चीजें ड्रॉ करने के लिए बोला विच आई इमीडिएटली डिड जो मैंने तभी के तभी इमीडिएटली कर दी ही आस्ट मी टू डिजाइन अ हाउस उसके बाद उन्होंने मुझे एक घर डिजाइन करने के लिए बोला एंड आई डिजाइन द हाउस और मैंने घर भी डिजाइन कर दिया आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरी उसके बाद उन्होंने कहा मुझसे कि सब ड्रॉप कर दो सब कुछ छोड़ दो एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर को ज्वाइन करो एक आर्किटेक्ट बनने की तैयारी करो वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज अभी अगर आर्किटेक्ट बनना है तो कॉलेज में एडमिशन लेना होगा तो एक कॉलेज के प्रिंसिपल के पास ये जाते हैं उनसे मिलने के लिए द प्रिंसिपल प्रिंसिपल मी और इनको वार्निंग देते हैं आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन एंट्रेंस एग्जाम्स मार्क्स तुम्हारे उतने नहीं है फिर भी मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम एंट्रेंस एग्जाम में अपियर कर सकते हो पार्ट ले सकते हो बट इफ यू डू नॉट डू वेल लेकिन अगर तुमने अच्छा नहीं किया एग्जाम में आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन फिर मैं तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करना अलाउ नहीं करूंगा आई गॉट एन ए प्लस इन द एंट्रेंस एग्जाम मेरे एंट्रेंस एग्जाम में ए प्लस आते हैं एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक केक वॉक मतलब बहुत ईजी उसके बाद चीजें सभी बहुत ईजी थी क्योंकि जो इनका इंटरेस्ट था उसी फील्ड में वो काम कर रहे थे आई हैड नेवर मेड अ प्लान मैंने कभी भी प्लान नहीं बनाया बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप लेकिन मुझे ये पता था कोई भी चीज टॉप से कैसे दिखेगी ये हमने देखा था कि इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी आई सेक्शन क्या होता है बट आई न्यू इफ यू कट अ प्लान वॉट इट लुक लाइक लेकिन मुझे ये पता था कि किसी भी प्लान को किसी भी स्ट्रक्चर को जब आप कट करेंगे तब वो कैसा दिखेगा आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट और उसके बाद हर क्लास में हर सेमेस्टर में ये फर्स्ट आए अपने कॉलेज में आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल और मुझे ऐसा लगता है ऐसा विश्वास है कि ये जो समझ है ये कहाँ से आई जो मैं खेलता था और जो चीजें किया करता था स्कूल में वहीं से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहराम दिवेचा मेरे एक फ्रेंड थे बहराम दिवेचा वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन बिटवीन अस हम दोनों का आपस में कॉम्पिटिशन होता था फॉर डिजाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड एम्यूनिशन अब क्या कंपटीशन होता था एमिनेशन गोला बारूद बंदूकें और किले डिजाइन करने का ईच ऑफ फर्स्ट बी डिफरेंट और हम दोनों ही एफर्ट्स किया करते थे कि डिफरेंट चीजें तो कुछ ना कुछ हम अलग डिजाइन करते थे इन स्कूल वेन आई वॉज इन सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड स्कूल में जब मैं सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था वन ऑफ माई टीचर्स मिसेस गुप्ता मेरी एक टीचर थी मिसेस गुप्ता सो माई स्केचेस एंड टोल्ड मी उन्होंने मेरे स्केचेस देखे और मुझसे कहा सी यू आर यूजलेस इन एवरी थिंग एल्स देखो तुम बाकी चीजों में तो बिल्कुल यूजलेस हो किसी काम के नहीं हो बट योर स्केचेस आर गुड लेकिन तुम्हारे स्केचेस अच्छे हैं वेन यू ग्रो अप जब तुम बड़े हो जाओगे यू बिकम एन आर्किटेक्ट तो तुम एक आर्किटेक्ट बनना आई डिड नॉट नो एट द टाइम ऑब्वियसली सेकेंड थर्ड क्लास के बच्चे को क्या आर्किटेक्ट पता तो उस टाइम मुझे ये नहीं पता था बट शी वॉज राइट लेकिन वो बिल्कुल सही थी लेटर बाद में आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट जब मैं एक आर्किटेक्ट बन गया आई वेंट बैक टू मीट हर मैं वापिस गया उनसे मिलने एंड टेल हर और उन्हें मैंने बताया कि आपने जो कहा था देखो वॉच सही हो गया और मैं सच में आर्किटेक्ट बन गया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज क्वेश्चन है कि आपको क्यों लगता है कि आपको पढ़ाई क्यों नहीं पसंद थी वॉट इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप कूड नॉट डील विद द करिकुलम क्या आपको ऐसा लगता था कि जो करिकुलम है जो सिलेबस है आप उससे कोप अप नहीं कर पा रहे हैं डील नहीं कर पा रहे हैं आंसर इज आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश फ्रेंच जर्मन इनमें मैं बहुत खराब था साइंस एंड जोग्राफी आई कोड डील विद साइंस और जोग्राफी से फिर भी मैं डील कर लेता था मैथ्स वॉज वेरी बैड ये हमने पहले भी देखा मैथ्स मेरी बहुत खराब थी आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड सिंपल बात है कि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में कोई रुचि ही नहीं थी आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग मैं सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहा था क्योंकि स्कूल में एडमिशन हो गया फीस दी जा रही है तो इसीलिए पढ़ाई कर रहा था कोई इंटरेस्ट नहीं था वॉट दे टॉट मी टुडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर टू डेज जो मुझे आज पढ़ाते थे दो दिन के बाद में वो भूल जाता था आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्यों ऐसा था कि क्यों बच्चे जनरली भूल जाते हैं क्योंकि एक्चुअल रियल लाइफ में कोई एप्लीकेशन ही नहीं होती उन चीज़ों की तो इसलिए मैं ज़्यादा बॉदर भी नहीं करता था ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता था क्योंकि जो क्लास में वो पढ़ा रहे हैं वो बाहर कहीं काम आने वाला है ही नहीं

आंसर इज लिविंग इन बोर्डिंग स्कूल इज डिफिकल्ट ये हमने देखा भी ये बोर्डिंग स्कूल में रह रहे थे तो हॉस्टल में रहना बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत डिफिकल्ट है वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे एक एक दिन करके रोजाना लाइफ ऐसे ही जाती रहती है नावर डेज देर आर सो मेनी टेस्ट आजकल तो स्कूल में इतने टेस्ट होते हैं बैक दिन लेकिन जब ये पढ़ते थे इनके टाइम पर वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी कभी कभी टेस्ट हुआ करते थे और यूज में कॉपी करके पास हो जाते थे द टीचर थाट वी हैड डन आर वर्क और टीचर को लगता था कि यही बच्चों का काम है बस टेस्ट में मार्क्स लाना और इनका काम खत्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज देर इज ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड अभी ये एक कंटेंशन मतलब एक कॉन्ट्रोवर्सी है इसमें लोगों के अलग अलग विचार है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो और गिफ्टेडनेस ये दोनों एक साथ आती है जिस बच्चे को पढ़ना नहीं आता तो कोई ना कोई टैलेंट कोई स्किल उसमें ऐसी जरूर होती है जो एक्सेप्शनल होती है बाकी उससे बिल्कुल अलग होती है डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू कि आपको लगता है कि ये आप पर भी अप्लाई होता है कि पढ़ाई में आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे फिर इतने अच्छे आर्किटेक्ट आप बने वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास खैर तुम मेरी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को ही ले लो दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टूडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स जो हमेशा क्लास में फर्स्ट और सेकेंड आते थे जिनके बारे में हम ऐसा सोचते थे कि कुछ एक्सेप्शनली करेंगे लाइफ में आजकल वो बहुत ऑर्डिनरी बहुत ही आम नौकरियां कर रहे हैं अभी बेला राज कहती हैं I have come across this situation in so many different places. बहुत सारी अलग अलग जगहों पर मैंने ये सिचुएशन देखी है where people tell me, जहां पर लोग मुझे कहते हैं दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी today. कि उनके जो क्लास टॉपर्स हैं आज वो बहुत एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं इन स्कूल आई थिंक लिविंग आर लाइफ there मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट स्कूल में जो लाइफ हम जीते हैं मुझे लगता है कि वो हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाती है यानी कि जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं चीजों को करने के वही हमें सिखाते हैं कि लाइफ में जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उनसे हमें कैसे डील करना है आई हैव लर्न मोर बाई डूंगाई ओन मैंने खुद से जो चीजें की है उनसे मैंने ज्यादा सीखा है राधा देन जो पढ़ाई लिखाई मुझे सिखाती उससे मैंने उससे ज्यादा मैंने खुद से सीखा है अभी बेला राज कहती हैं दैट इज बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर ऐसा इसीलिए क्योंकि पर्सनालिटी और स्किल्स आप में पहले से ही थी यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ यू वर कंफर्टेबल विद प्रॉब्लम क्या थी कि उसको वो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अभी आपको एक एक्सप्रेशन मिल गया और वो भी इस तरीके से जिसमें आप कंफर्टेबल है एंड यू डिफाइड एवरी रूल और ये जो रूल्स है कि जो बच्चे अकेडमिक्स में अच्छे नहीं होते वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते आपने इसको डिफाई किया, मतलब किया है मतलब इसको चैलेंज किया है सो दैट नो बड़ी वु स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू ताकि कोई भी आपको ना रोक सके वो करने से जो आप करना चाहते हैं नाउ हाफ कॉन्ट्रैक्टर आई मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स मैं दूसरी चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड था इफ फॉर ज्यादापल जैसे कि वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड मान लीजिए आप क्लास में और बाहर बारिश होने लगती है आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर तो जो पानी बह रहा है मैं उसके बारे में सोचूंगा एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट और कैसे उस बहते हुए पानी को ब्लॉक करने के लिए एक डैम बनाया जा सकता है आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम डैम में फ्लो ऑफ वाटर कैसे होगा मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड और कितना पानी वो डैम होल्ड कर लेगा दैट इज माई इंटरेस्ट फॉर द डे और ये मेरा इंटरेस्ट फॉर द डे होता था इस चीज में मुझे इंटरेस्ट आता था वेन स्टूडेंट लॉस्ट अ बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग जब किसी स्टूडेंट का कोई बटन खो जाता था खेलते टाइम या फिर लड़ते टाइम दे वुड कम रनिंग टू मी वो दौड़ते हुए मेरे पास आते थे एंड आई वुड कट अ बटन फॉर देम फ्रॉम चौक यूजिंग अ ब्लेड और मैं ब्लेड को यूज़ करके चौक से बटन को कट करके उनको देता था डिसिप्लिन इन स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट स्कूल टाइम में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड नो स्टूडेंट कूड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग और कोई भी बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनकी शर्ट में बटन मिसिंग हो इसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिलती है द स्टूडेंट वुड गेट पास्ट डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर सो so, स्टूडेंट को डिनर तक सिर्फ फुल नीट यूनिफॉर्म में होना है उसके बाद तो ये मैटर ही नहीं करता किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता अभी बेलाराज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं कमिंग टू द प्रेजेंट अगर हम प्रेजेंट की अभी की बात करें हाउ डू यू डिसाइड एज टू वॉट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वॉन्ट टू गिव अ क्लाइंट आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का स्ट्रक्चर आपको एक क्लाइंट को देना है आई लुक एट द क्लाइंट फेस मैं क्लाइंट के फेस को देखता हूँ क्लोथ्स उसके कपड़ों को देखता हूँ द वे ही टॉक्स कैसे वो बातें करता है कैसे प्रोनाउंस करता है चीज़ों को कैसे वो खाता है एंड आई वुड नो वॉट इज टेस्ट वुड बी लाइक और मुझे पता लग जाता है कि कैसा इसका टेस्ट होगा कैसा घर इसको चाहिए होगा कैसी बिल्डिंग इसको चाहिए आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल मैं लोगों से ऐसे रिलेट करता हूँ ऐसे इंट्रैक्ट करता हूँ जिसमें वो कम्फर्टेबल हो आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर और मैं बहुत स्पॉन्टेनियसली मतलब बहुत ही जल्दी

नेचुरली मुझे आ जाता है या फिर अरिथमेटिक कह लो नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स अभी ये maths के जैसा मुझे आने लगा है putting design, design को put करना construct करना साइकोलॉजी समझना एंड सोशलॉजी टुगेदर और उनके साथ सोशलाइज करना एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स और उससे एक स्केच बनाना ये मेरे लिए मैथ्स है टेशन ऑफ मैथेमेटिक्स तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी एक अलग ही डेफिनेशन बना ली है मैथमेटिक्स की टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अब्जेक्ट ही नाउ लवस डीलिंग विद एक सब्जेक्ट जिसको वो बहुत ही नफरत करते थे पहले अभी वो उसको मैथ्स की तरह लेने लगे और अब वो सब्जेक्ट है जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है जिसमें वो डील करते हैं ओके सो दैट्स ऑल स्टूडेंट इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है होपफुली काफी चीजें आपको सीखने को भी मिली होगी इससे So thank you so much for watching.